सो हे गाइस, आज मैं आया हूँ सुकरण के घर, सुकरण से मिलने। क्यों आया हूँ मिलने ये तो आपको सुकरण ही बताएगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं सुकरण के घर पहुँच चुका हूँ। आपको मैं सुकरण का घर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, ये रहा सुकरण का घर। तो गाइस चलिए अब चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, फिर आपको सुकरण से मिलवाता हूँ। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा आप एंड तक देखते रहना। तो अब गाइस मैं आपको सुकरण से मिलवाता हूँ, सुकरण यहाँ पे आपको मिलेगा बाहर। गाइस पहुँच गया मैं सुकरण के घर, मैं रिंग कर देता हूँ। आ गया सुकरण, नीचे से कैमरा स्टार्ट करके लाया गया। आ गया ये सुकरण, देख सकते हो इसका एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। अरे अंदर तो आया। और भाई कैसा है? बढ़िया भाई। हाँ तो भाई सुकरण बता, एक्सीडेंट कैसे हुआ तेरा? भाई एक्सीडेंट तो स्कूटी से हुआ, और उसकी वजह से मेरा लेफ्ट लेग में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं एंड मेरे लेफ्ट लेग में रॉड डली है। तो मुझे अभी तक 3 से 6 महीने चलने के लिए मना किया गया, फिर भी आज हम आपके लिए एक ऐसा व्लॉग बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं करा होगा। हम जोमैटो के टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स और ब्रांडेड जो कंपनीज हैं मोमोज की एंड लोकल, इन सबको कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे क्या ये जोमैटो रेटिंग उस हिसाब से देता है या फिर कुछ गड़बड़ होती है, पेड रेटिंग्स होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जोमैटो से ऑर्डर करते हैं और आपको बताते हैं आगे कैसे करना है। तो अब हम जोमैटो खोलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे एरिया में जो टॉप रेटेड है मोमोज की शॉप, वहाँ से मोमोज ऑर्डर करते हैं। तो ये हमारी मोमोज की शॉप है मी एंड तंदूरी के नाम से, ये नियरेस्ट शॉप दिखा रहे हैं एंड टॉप रेटेड है। तो हम इससे कुछ मेरे हिसाब से हम चिकन अफगानी मोमोज ऑर्डर कर देते हैं, कुछ पनीर चीज़ और कौन सा ऑर्डर करें, पनीर चीज़ मोमोज, चिकन ऑर्डर करें, नहीं कुछ वेज वाली ऑडियंस के लिए भी होना चाहिए पनीर चीज़ मोमोज। तो हमने ऐड कर दिया ओहो, क्योंकि हमारे पास 25% हम ऑफ मिला, क्योंकि हमारे पास प्रो मेंबरशिप है जोमेटो की। अब ये हमारा गेटवे पेज आ गया, हम यहाँ से हम ऑर्डर करते हैं। तो अब हमने यहाँ से कर दिया ऑर्डर, 25 मिनट्स दिखा रहा है एंड अब हम ऑर्डर करते हैं वॉ मोमोज से। तो वॉ मोमोज से मैं स्टीम मोमोज मंगाऊंगा, क्योंकि हमने तंदूरी मंगा लिया तो एक स्टीम भी होने चाहिए। तो मैं चिकन सुप्रीम मोमोज मुझे आके थोड़े ठीक लगते हैं, तो मैं एक बार वही ऑर्डर कर देता हूँ। तो अभी इसमें हम पे करते हैं। तो हमने यहाँ से भी ऑर्डर कर दिया, हमने दो जगह से सेम फ़ोन से ऑर्डर करा है। तो ये 20 मिनट्स दिखा रहा है एंड 25 मिनट्स, देखते हैं कौन सा पहले आता है एंड उसके बाद बताते हैं फिर दोनों को कंपेयर करके। और ये हमारे जो एक और मोमोज है वो मालवीय नगर के जो हमें बेस्ट लगते हैं, हमने उससे मंगाए हैं लोकल में आसपास, उसका भी हम फ़ोन नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड यहाँ वॉ मोमोज एंड दूसरे रेस्टोरेंट का भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये जो हमारे मोमोज हैं ये मालवीय नगर की हमने एक लोकल शॉप से मंगाए हैं, मतलब इनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है पर्सनली एंड हमने आपको एक कंपेरिजन वीडियो बनाने के लिए दिखाया, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हमने मंगाया है 1 प्लेट चिकन मोमोज एंड 1/2 प्लेट वेज मोमोज, ठीक है। एंड ये जो है टॉप रेटेड जोमेटो रेस्टोरेंट से है, इसका नाम है मी एंड तंदूरी, नियरेस्ट एरिया में यही आता टॉप रेटेड। तो यहाँ से हमने मंगाया एक पनीर चीज़ मोमोज एंड चिकन अफगानी मोमोज एंड इसके बाद हमने मंगाया वाओ मोमोज। इन तीनों के अनपैकिंग करेंगे, पैकिंग आप देख सकते हैं तीनों की बहुत ही नॉर्मल है एंड ये हमें कॉस्ट करा अराउंड 80 रुपीज़ का, ये हमें कॉस्ट करा अराउंड 185 का एंड ये 200 का। तो अब हम इनको खोल के बताते हैं कैसा इनका टेस्ट है, क्या एक्सपीरियंस है, कुछ ज़्यादा पैसे देने से कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है या नहीं। तो उसको प्लेट कर लिया है, ये जो हमारे हैं चिकन मोमोज एंड ये वेज मोमोज है, इनके साथ ये दो डिप्स आती है, एक मेयोनीज एंड एक रेड चिली सॉस। ये है हमारे पनीर चीज़ मोमोज, ये है हमारे चिकन तंदूरी मोमोज, अफगानी मोमोज एंड इनके साथ ये 3 डिप्स आती है, मिंट चिली एंड मिंट मेयो। फिर आते हैं हमारे वॉ मोमोज, वॉ मोमोज के साथ ये डिप आती है और उसके अंदर ये मोमोज आते हैं दोनों में। तो चलिए पहले हम लोकल से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमारे देसी मोमोज हैं इससे ट्राई करते हैं कैसे हैं। शेप वाइज देखा जाए तो इनकी शेप अच्छी है, बाकी वैसे मेरी एक कंप्लेंट होती है कि मैदा ज़्यादा होता है, बट इसमें एकदम परफेक्ट है तभी मैंने ये मंगाए हैं। ये हमने इसको रेड चिली सॉस में डिप किया एंड फेस वाइज देखा जाए बहुत अच्छे हैं, एकदम चीज़ें परफेक्ट हैं, वैल्यू फॉर मनी है एंड मतलब मस्ट ट्राई है, आप ट्राई करें। इसके अंदर आप देख सकते हैं चिकन ही है
ज़्यादातर मोमोज वाले इसमें सोयाबीन मिलाते हैं, बट इसके अंदर प्योर चिकन है, तभी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये। बट आगे कंपेयर करते हैं वैल्यू फॉर मनी आगे वाले भी हैं या नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे वाले मोमोज। ये है वेज मोमोज इनका, तो खोल कर ही खा लेते हैं। देखिए इनका वेज मोमोज, इसके अंदर बीन्स है, कैबेज है, सब कुछ है। कभी कभी इनके मोमोज में ब्रोकली भी होती है, कॉर्न्स भी होते हैं। तो अब ये वेज मोमोज हम खाते हुए, मतलब जैसे आप एक्सपेक्ट कर ही होंगे नॉर्मल वेज मोमोज से ही है। मैं इसको बोलूँगा कि उनसे बहुत मच मच बेटर है। इनका जो टेस्ट है, मतलब इसके अंदर जो वेजिटेबल्स है प्रॉपरली कुक्ड है। इनका टेक्स्चर भी नॉर्मल है, मतलब वो नहीं है, स्टिकी नहीं है, बहुत ही हाइजीनिक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पैकिंग में आपको दिखाई चुका था इनकी, इनकी और टॉप रेटेड जोमेटो की पैकिंग ऑलमोस्ट सेम थी। तो आप देख सकते हैं प्राइजेस एंड ये। चलिए अब अगला इसका रिव्यू सचिन देगा कि लोकल मोमोज में क्या बेटर है, क्या अच्छे हैं, ये सब सचिन बताएगा। तो गाइस मैं टेस्ट करता हूँ चिकन मोमोज, कुकर में भी ट्राई कर चुके हैं, मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा लगता है। मतलब इसका टेस्ट बताऊँ तो लोकल के हिसाब से बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। इसकी रेड चटनी बहुत ही अच्छी, इसकी मुझे चटनी बहुत अच्छी लगी, और थोड़ा करके देखता हूँ अच्छा लगा। वेज मोमोज ट्राई करते हैं, वेज मोमोज के बारे में बताऊँ तो वेज मोमोज मेरे को ठीक लग रहे हैं, ये भी ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें इसके अंदर का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसमें कैबेज डाल रखा है और अनियंस है, बाकी ये भी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल बताऊँ तो मैं देखो ठीक लगा, लोकल के हिसाब से बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड ये हमारे हैं चिकन अफगानी मोमोज एंड ये है पनीर चीज़ मोमोज। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, आज तक मैंने पनीर चीज़ मोमोज ट्राई नहीं करे। ये थोड़े सॉगी हो गए क्योंकि हमें एक साथ सारे ऑर्डर्स का वेट करना था, तो इसी वजह से। और ये अभी तो सही लग रहे हैं, चीज़ मुझे बाय द वे बहुत पसंद है। मैं इसके साथ जो ये सॉस दी जाती है, इस इज़ अ काइंड ऑफ मेयोनीज ओनली, हम ट्राई करते हैं देखते हैं। मोमोज की बात करें तो चीज़ जो है ना इनकी एक्चुअली लिक्विड चीज़ यूज़ हुई है एंड मोज़रेला ऊपर से स्प्रेड करी गई है। तो मतलब ये एक चीज़ लवर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे जैसे बहुत चीज़ पसंद है तो मुझे बहुत पसंद है। और ये पनीर है वेज, तो वेज ऑप्शन आप सबको पसंद ही, ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन ही होते हैं। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट मोमोज पे, जो कि है चिकन मोमोज। इसको मैं हाफ कर लेता हूँ। परफेक्टली कुक्ड अनियन है इसके अंदर एंड फ्रेश चिकन है, क्योंकि एक नॉनवेज ईटर को पता होता है इसके अंदर फ्रेश है या नहीं है। हम चलते हैं इसको खाते हैं और देखते हैं इसको इसके साथ पूरा, इसके साथ एंड पूरा इसके साथ भी मिला के देखते हैं कैसा है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी ये भी है। तो मुझे तो ये मेरे से अच्छे ही हैं, टॉप रेटेड है, मतलब पेड़ तो नहीं प्रमोशन कह सकते, पर ठीक है पेड़ प्रमोशन वाले नहीं है, ये जेन्युइन है जोमैटो। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट उस पर ये हमारी डिप है एंड ये हमारा मोमोज है। ये देखिए आप, यह चिकन सुप्रीम मोमोज डिमसम्स। अब अच्छे रेस्टोरेंट में मोमोज को डिमसम्स कहा जाता है। फिर डाइसेक्शन कर लेते हैं, ये देखिए इसका मोमोज के अंदर फिलिंग एकदम कुक्ड है एंड स्टफ देखिए कैसे है अंदर से भी। इनका लेयर देखिए आप, इनके मोमोज की काफ़ी थिन है, जो कि चीज़ मुझे एक अच्छी लगी है। बट अब खा के देखते हैं कि उतने ही टेस्ट में अच्छे हैं या नहीं। टेस्ट की बात करूं तो मुझे ये जोमैटो वाले ज़्यादा बेटर लगे हैं, टॉप रेटेड। ये मोमोज अच्छे हैं, स्टीम के हिसाब से अच्छे हैं, बट इनके अंदर ना चिकन प्रॉपर यूज हुआ है तो उसमें कुछ सॉफ्ट बोन्स भी आ रही हैं, तो ये एक मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज लगा। इनको कम से कम बोनलेस चिकन यूज़ करना चाहिए था। तो चलिए अब हम मिलते हैं इन सबको फिनिश करने के बाद एंड ओवरऑल रेटिंग देते हैं टोटल में सबको।
तो फ्रेंड्स हमारा मील खत्म हो चुकी है, तो इसमें रेटिंग की बारी आती है, तो हम लोकल जो मोमोज हैं यहाँ के हम उसे रेट करना चाहेंगे अराउंड 10 out of 9, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी थी। एंड जो हाईली रेटेड जोमेटो पे है उसको भी हम सेम रेटिंग देना चाहेंगे 10 out of 9। एंड जो ये वाओ मोमोज हैं, इससे हम स्पेशली बहुत डिसअपॉइंटेड है, जिस हिसाब से नाम था इसका और जिस हिसाब से इनका प्राइस था, उस हिसाब से इनकी क्वालिटी बिल्कुल वर्थ इट नहीं थी। इसको हम देना चाहेंगे 10 out of 6, क्योंकि ये वर्स्ट हम कह सकते हैं हमारा एक्सपीरियंस था वाओ मोमोज के साथ। एंड मैं तो आगे फर्दर वाओ मोमोज ट्राई नहीं करने वाला, मैं भी नहीं करने वाला। आपको आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।